आज के समय बहुत से डायरेक्टर्स फंसे हुए हैं निधि कंपनी बनाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपको स्वागत है, मैं हूं संदीप। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निधि कंपनी क्या आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसों का लेन देन का काम करते हैं और इससे पहले कि निधि कंपनी आज के समय भी या पहले भी निधि कंपनी बनाना बहुत आसान था और उसके द्वारा लोग अपने पैसों के लेन देन सूद ब्याज का धंधा कर रहे थे। लेकिन जब से NDHO का अप्रूवल की समस्या आई है तब से निधि कंपनी को लेकर काफी काफी ज्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं। बहुत से लोगों ने नई निधि कंपनी बनाई और उसके बाद जब वे बिजनेस करने आए तो उनको मालूम चला कि NDHO नाम की कोई चीज होती है जिसको फाइलिंग किए बिना आप आगे का काम कर नहीं सकते, तो उसके बाद वे लोग फंस जाते हैं और उनके CA के द्वारा सही से गाइडलाइन नहीं देने की वजह से उनको समस्या फिर हमेशा के लिए हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं पहले आपको क्लियर करूंगा कि अगर आप भी बैंकिंग या फाइनेंस या फिर आप पैसों का लेन देन का काम करना चाहते हैं तो आज के समय में ये मुश्किल है, क्योंकि निधि कंपनी ही एक ऐसा रास्ता था जिससे कि आप ये काम कर सकते थे। दूसरा रास्ता अगर लोन देने का था तो Section 8 माइक्रो फाइनेंस था, जो कि जिसका अप्रूवल कुछ स्टेट में मिल रहा है और कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। और तीसरा जो है कि माइक्रो फाइनेंस या लोन देने का काम था आपके NBFC के अंतर्गत, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगती है। अबाउट इनिशियल अगर मैं बात करूँ कुछ नहीं भी तो 10 CR माने 10 करोड़ रुपए की तो कम से कम उसमें आपको डिपॉजिट ही लगती है। तो अभी यहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा, बात मैं करूँगा निधि कंपनी को लेके और बिल्कुल उसके विषय में आपको जो एडवाइस मैं कर रहा हूँ ये एडवाइस कोई भी प्रोफेशनल जो है आपको ऑनलाइन नहीं देगा और ना ही ऑफलाइन देगा। कारण क्या है कि इससे कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन पे इफेक्ट आती है। तो मैं अभी आपको जो बात बता रहा हूँ उसमें ये चीज़ें जानने के लिए है कि सबसे पहला सवाल है कि क्या निधि कंपनी आज के समय में आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका साफ जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के समय आप निधि कंपनी को रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, करने से आगे चल के आपको समस्या आएगी, आपका NDHO किसी भी हालत में अप्रूव नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन कारण आपको दे दिया जाएगा जिससे में आप जिसको आपको समझना मुश्किल होगा और अंत में क्या होगा कि वो अप्रूवल नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। दूसरी बात क्या है कि जो पहले की निधि कंपनियां हैं उनके विषय में क्या आप मतलब क्या उसका रास्ता है। तो दोस्तों जो भी पहले निधि कंपनियां बनी थी उन्होंने उनमें से बहुत सी कंपनियों ने NDHO का अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसमें से ज़्यादातर लोगों का NDHO का अप्रूवल नहीं मिला है और बहुत सी कंपनियों का जो NDHO का अप्रूवल नहीं मिला है और बहुत सा का जो NDHO का एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया है। तो NDHO का एप्लीकेशन का रिजेक्ट होने का मतलब है कि उसी समय से आपका काम धंधा बंद। और अगर आपका NDHO का आपको अप्रूवल नहीं मिला है, एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है या फिर कुछ सवाल या जवाब चल रहे हैं, जैसे कि जब आपने NDHO का अप्रूवल दिया अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से कुछ सवाल आते हैं कि ये कमी है तो उसका रिप्लाई देना होता है। तो अल्टीमेट लास्ट में एंड यही होता है कि आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपसे कोई बातें छिपा नहीं रहा हूँ, जो चीज़ें फैक्ट है उन फैक्ट को ही बात कर रहा हूँ। अब जब NDHO का अप्रूवल आपका रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है, तो अगर इन सिंपल वर्ड में मैं आपसे बात करूँ तो आपको काम अपना बंद कर देना है, सिंपल वर्ड, क्योंकि इसके आगे की गाइडलाइन कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ पास एक बात मतलब जो डाउट है या समझ में नहीं आती है कि मान लीजिए कि आपके पास में पहले से 400-500 मेंबर बने हुए हैं, आपका NDHO अप्रूवल नहीं हुआ है तो ऐसा बोला गया है कि आप आगे काम नहीं कर सकते या मेंबर नहीं बना सकते। लेकिन पिछले मेंबर का क्या होगा, उन जिसको हमने पैसे दिए हैं उसका क्या होगा, जिनसे पैसे हम लोगों ने डिपॉजिट किए इनका क्या होगा, इन सवालों के जवाब काफ़ी लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं। लेकिन मैं भी आपको वही बात बता सकता हूं जो कि निधि रूल्स में दिया गया है। NDHO के समय जो रूल्स बताया गया है उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब सब चीज़ें ऐसा मिक्स है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अभी के समय चाहे आपको कोई भी CA बोलता हो या कोई भी प्रोफेशनल बोलता हो या आपको किसी ने देखा किसी के निधि कंपनी चल रही है या जो भी है,
तो कानूनी रूप से निधि कंपनी आज के समय में नहीं चल रही है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है वो कानून में ही कहीं ना कहीं एक चीजें आ रही है जो कि आपको उस निधि कंपनी का NDHO का अप्रूवल करने नहीं दे रही है। आगे क्या रास्ता होगा ये भी लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मेरे या किसी भी प्रोफेशनल के हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है निधि कंपनी को लेके, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। हमारा काम ये होता है कि अगर कंपनी बन रही है तो हम आपको बना के दे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट सबसे पहली होती है कि आपको उस चीज के विषय में क्लियर बता, चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, निधि हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, कोई भी बिजनेस करने से पहले। तो इतनी बातों को अगर आप जान लेते हैं, इसके बाद आप कंपनी बनाते हैं तो ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो यही बात बोलूंगा कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस है, पैसों का लेन देन आप निधि कंपनी के द्वारा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बिल्कुल ही आप इस चीज को हटा दीजिए, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से मतलब फंस जाओगे कहीं ना कहीं। आज के समय बहुत से डायरेक्टर्स फंसे हुए हैं निधि कंपनी बनाने के बाद, और ना ही उनकी कंपनी बंद हो रही है ना ही उनकी कंपनी चल रही है। क्योंकि बातें बोलना बताना आपको पब्लिकली जो है जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरी जब निधि कंपनी बनती थी, बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखी है निधि कंपनी बनाई है, तो मेरा भी ये ड्यूटी बनता है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके विषय में भी आपको बताऊं। आगे अगर कुछ गाइडलाइन आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी जानकारी के लिए। और किसी भी तरह की अगर आपको लाइसेंस या किसी भी तरह की कानूनी सलाह चाहिए, फाइलिंग चाहिए, तो भी हमारे यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई लाइसेंस या किसी भी तरह की बिजनेस की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।